ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਿਓ ਜੀਵ ਦਿਓ ਜੀਵ ਦਿਓ। आप हमारे पिछली खबर में देख चुके हैं कि लंबे बिजली कटों से परेशान लोगों की समस्याओं को लेकर जहां श्रोमणी अकाली दल ने आवाज उठाई, वहीं फतेहगढ़ चूड़िया में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। लंबे बिजली कटों से आम लोगों को आ रही परेशानियों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला गुरदासपुर इंचार्ज प्रीतम सिंह बब्बू और अन्य नेताओं ने अपने वॉलंटियरों के साथ फतेहगढ़ चूड़िया के बिजली दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद फतेहगढ़ चूड़िया के बिजली दफ्तर के एसडीओ से भी मुलाकात की। आइए देखते हैं फतेहगढ़ चूड़िया से सूरज मसीह की रिपोर्ट। तुसी देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया, मैं सूरज मसीह। इस टाइम ही पहुंचे हाँ फतेहगढ़ चूड़िया के बिजली घर, जो कि अज आम पार्टी वालों जो धरना दिता जा रहा है, जो कि शहर का जो लंबे लंबे कट लग रहे हैं। आओ असी आम पार्टी नाल गलबात करते हैं। बुरा हाल है, हाहाकार मची है, लोग त्रास त्रास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का की करा है? देखो जी, सब तो पहले तो सारी प्रेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अभी अज के समय के इतने पहुंचे थे। तो मैं डेली पिंड विचर रहा वहाँ, हर पिंड लोग मैं तकरीबन जो पिंड पहुँचता मैं तकरीबन रोड लोग तकरीबन बाहर की फिरनी के उत्ते बैठे ने, गर्मी के नाल त्रास त्रास कर रहे हैं। अज बिजली बोर्ड में इन सरकार भी सोचना चाहिए, एक आप 29 पैसे रणजीत सागर डैम से बत्ती बन रही है, 29 पैसे सरकार का खर्चा आ रहा, तो घट्टो घट्ट अपने को 10 रुपये लगभग पर यूनिट से लै रहे हैं। जो आप बिल देने तैयार हैं, जो आप सब कुछ देने तैयार हैं, तो इन्हां गरीब लोगों जो भी गरीब भी आ मिडल क्लास के जो भी अपने फैक्ट्री वाले भी जिन्हें भी इन्हां लोगों को धक्का नहीं करना चाहिए सरकार को। तो जे आप खर्चा दे रहे हैं तो खर्चा लैके भी साढ़े ना बहुत बड़ा धक्का कर रहे हैं। तो सरकार भी ये चीज़ समझनी चाहिए है कि आप झूठ बोल के बिजली के नाते भी इन्हें बड़ा वाला झूठ बोल के सरकार बनाई सी बिजली के मुद्दे से भी। जे हुण तुहाडे वल्लों प्रोटेस्ट की किया जाता तुहाडा अगला प्रोग्राम की हो जी? अज असी अपने फतेहगढ़ चूड़िया शहर लैवल से कर रहे हैं, जे साडी गल तक नहीं सुनी जाती तो आप हल्के लैवल से करांगे, जे हल्के लैवल से नहीं सुनगी सरकार तो आप जिले लैवल से तो पंजाब लैवल से कैप्टन साहब की कोठी का भी घराओ करांगे जा। हाँ जी, पावर कट्टा का हाल अज का नहीं है, मेरी उम्र 57 साल हो गई है, जदों की मैं होश संभाली उदों का यो हाल है। तो हर सरकार जिहड़ी भी आउंदी है सब तो पहला बड़े झूठे वादे करती कि अं 24 घंटे बिजली देंगे। आप पिछली बारी ऐसे सरकार के बाजवा साहब ने 2 करोड़ रुपया जिहड़ा सी ठेकेदारां नूं दित्ता सीगा तां कि ट्रांसफार्मर वधिया लगन, बिजली का रख रखाव वधिया होवे, पर बहुत देर तो बिजली का बहुत ही माड़ा हाल है फतेहगढ़ चूड़िया दे विच। इत्थों तक कि पिछे साडे जिहड़ा रविदास चौ की कहते हैं चौंक जो बाबा लाल जी चौंक है कमेटी घर के लागे, उतना ट्रांसफार्मर सड़ गया। तीसरे दिन जो ट्रांसफार्मर सारे महल के लोग त्रास त्रास करते, वो भी की करन, बच्चे छोटे आ मजबूर ने, रातें नहीं लंघदियां, गर्मी बहुत है, तो मजबूरन जे क्या ट्रांसफार्मर जो टाइम से रख दो तो टाइम से रखा नहीं जाता सीगा। तो ठेकेदार ने कहा जी मैं पैसे 4000 रुपया इकट्ठा दे करके दो तो मैं तुम्हें जोड़ा वा मैं प्राइवेट लेबर आ। देखो मजबूरन सानू महल्ले इसे सरकार के बंद ने महल्ले 200 रुपया इकट्ठा करके 4000 मूँह से मारा, फिर ट्रांसफार्मर लग गया और फिर भी वह पूरी बत्ती नहीं हो क्योंकि 100 का ट्रांसफार्मर से उत्थे 200 की रिक्वायरमेंट आ। तो यह जोड़ा वा ये धक्केशाही जी बिजली बोर्ड वाले भी करते हैं, ठेकेदार भी करते हैं, कि बत्ती जाती कितने आ सू समझ नहीं आती, जबकि असी घर तो बाद मीटर भी लग गए, बत्ती की चोरी भी बंद हो गई, बत्ती के रेट भी बढ़ गए। तो जो 50 साल पहला बिजली का हाल ही अज भी उही बिजली का हाल है, असी सारे कलब गए हैं। ये लड़ाई साड़ी कल्यां दी नहीं, ये सारे दुकानदार भरावां दी, शहर वाले भरावां दी, तो पूरे पंजाब की लड़ाई है। इसे प्रोटेस्ट जो सा 3 तरीक न मोहाली के कैप्टन साहब के लागे भी जाके जो प्रोटेस्ट बड़े वे लैवल के उपर बिजली बोर्ड का जवाब कर जा रहे हैं। सब कुछ हैगा, बत्ती हैगी है, सब कुछ हैगा वा, पर चार चीज़ा जो सा बुनियादी देना वो सरकार जी पहला हाथ खिंचती है फिर दे दें, जो दे दें खुश हो जाने, वो फिर हाथ खिंचती, सिर्फ बच्चे के मुँह से लादी पाऊ नहीं हूँ,
ਭੌਲਾ ਦੀ ਭਾਵ ਕੱਢ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤਾਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ सब तो पहला सारी प्रेस का मैं धन्यवाद करता जो साड़ी इस प्रोटेस्ट के साथ देने वास्ते पहुँचे ने अज फतेहगढ़ चूड़िया की टीम वालों प्रीतम सिंह बब्बू जी की अगवाई हेठ असी बिजली बोर्ड का जड़ा आ मुरदाबाद के नारे लाते हुए इस चीज़ का असी विरोध करता है कि जेड़ा पूरे पंजाब दे विच कल्ले फतेहगढ़ की समस्या नहीं हल्के की जां जिले की नहीं समस्या पूरे पंजाब की समस्या अज सारे पंजाब दे विच बहुत वड्डे वड्डे बिजली के कट लग रहे हैं ये बड़ी मंदभागी गल है पंजाब सरकार वास्ते कि लैगिस्लेचर्स वास्ते इलैक्ट्रिसिटी इन्हां कोल हैगी आ मिनिस्टर्स वास्ते हैगी आ पर मजबूरी साड़ी ये आ कि सानू इन्हां दीआं गल्लां जिहड़ियां थोपियां मनणियां पैंदियां ने जिहड़े लोकां ने वोटां पा के इन्हां नूं राज भाग दित्ता उन्हां वास्ते इन्हां कोल बत्ती है नहीं ये बड़ी मंदभागी गल है असी अज पंजाब सरकार का विरोध किया कैप्टन सरकार का और बिजली बोर्ड का खास करके जिहड़ा आ विरोध किया कि जिहड़ा लोकां नूं 24 घंटे बिजली जी मुहैया करवाई जाए अज इस चीज़ का सारी जी हल्के की टीम वालों जरा विरोध किया गया और शहर का जी पूरी फेरी के नाल जो लोगों भी जागरूक किया आम पार्टी वालों भी धरना दिता गया बस जो बिजली दे अपना बंद रही है शहर के बारे तुम सर की कहोगे उस बारे मैं तुम्हें यह कहना चाहना कि गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया वा बहुत ज़्यादा गर्मी होने करके बिजली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पैडी सीजन भी चल रहा वा पैडी सीजन के बाहर पैडी की फसल वास्ते भी बिजली बहुत जरूरी है तो वो मतलब पूर्ति वास्ते बिजली उन्होंने कट भी लाने पै रहे हैं तो कट्टा करके मतलब लोगों को थोड़ी मुश्किल आ रही है क्योंकि हम कट लगने शुरू हो गए पहले कट नहीं लग रहे थे कट भी लगने शुरू हो गया बाकी चलो जो कोई लोकल प्रॉब्लम होती है तो वो असं मतलब विद इन टाइम कोशिश कर दी कि कोई भी मतलब कहीं मुश्किल ना आए जो कहीं लोकल मुश्किल है बाकी जो कोई सिस्टम के कट लगने हम मतलब सिस्टम जो डिमांड बढ़ गई है तो वास्ते फिर तुम पता ही है कि कट ले लाने पड़ने के सिस्टम जो कलैप्स हो जाता वा जो आप कट नहीं लगे तो डिमांड नहीं ज्यादा रही सिस्टम सर लोगों का ज़्यादातर एक भी कहना वा कि जे सिटी का कोई जई है जी ड्यूटी लगी होंगी है जिन के टाइम जो ड्यूटी लगी होंगी रात दिन वो कोई का मतलब कि लोगों की पुछगिछ नहीं करते उन्होंने तकरीबन फोन बंद हों जो चलता भी तो फोन चुकते नहीं है चलो जो तुम एक गल ध्यान लेंगे तो मैं अपने स्टाफ नाल सद के उन्होंने एक हिदायत कर दिना जो कि किसी वालों कोई मुश्किल आँगी कि खपतकार कोई मुश्किल ना आए वहाँ तो कोई मुश्किल नहीं आई मैं विश्वास करना कि मैं स्टाफ में सद के एक उन्होंने हिदायत कर देना कि कल मतलब बाद किसी खपतकार में कोई मुश्किल ना आए टेलीफोन बंद किया जाए प्रॉब्लम सॉल्व सर्दियों तो सर काम ज्यादा चल रहा है इन्होंने दिनों मेरे लोगों को बड़ी मुश्किल आती है तो क्यों ना जो बंदे जो बिजली ठीक करते उन्होंने गिनती थोड़ी जी बताई जाए लोगों ने कहना भी बंदे बहुत घट ने तो शहर की काफ़ी वड्डा वा बंदे एक्चुअली स्टाफ की तुम पता सारे महकमे जी इस वे कमी स्टाफ महकमे की घट होने करके बड़ी मुश्किल आ रही है परंतु फिर भी शहर के सफिशेंट जो स्टाफ है प्रोवाइड किया जाए इस तो अलावा जो होर भी कोई एक दो बंद सू करके लाने पेंगे नहीं तो मतलब हम गां मतलब आने वाले एक दो महीने वास्ते होर बंद ला के इन होर वधिया चलाने की कोशिश करते हैं सर जो श्रोमणी अकाली दल भी हलका इंचार्ज रवि सिंह कल भी जो तुम मुलाकात हुई है वो बारे की कहना चाहते उन्होंने वालों भी बिजली की मतलब बिजली संबंधी ही उन्होंने सानू आगे मिले हैं उन्होंने भी यही विश्वास दवाया कि बाकी जो कट ने कट्टा वास्ते जो मतलब साड़ी मजबूरी है क्योंकि बिजली बोर्ड में कट ता लाने पै रहे हैं कि डिमांड पैडिसन करके डिमांड बहुत ज़्यादा उन्होंने यही विश्वास दवाया कि मतलब अभी कोई गांव तो कोई मुश्किल नहीं पेगा